हम जानेंगे यस बैंक शेयर को लेकर। तो इस हफ्ते में यस बैंक की वजह से एसबीआई सुर्खियों में रहा, क्या वजह रही बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण है। वरुण बताइए, आखिर यस बैंक ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से एसबीआई सुर्खियों में रहा। देखिए, अगले कुछ दिनों तक यस बैंक का स्टॉक जो है वो काफी हद तक फोकस में रहने वाला है। खासकर मिड ऑफ मार्च में अगर आप देखेंगे तो काफी सारी सप्लाई जो है वो स्टॉक में आ सकती है। दरअसल मार्च 2020 में जब येस बैंक की हालत ख़राब थी तो एसबीआई और बाकी जितने बैंक हैं उन्होंने इस बैंक में पूंजी डाली थी, और तब जब पूंजी डाली थी तब 3 साल का लॉक इन पीरियड जो है इस पूरी डील के लिए रखा गया था। खासकर एसबीआई का अगर आप देखेंगे तो एसबीआई ने करीब 48% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी थी, और बाकी जितने बैंक हैं उन्होंने भी यहाँ पर पूंजी डाली थी। एसबीआई के लिए कहा गया था कि अगले 3 साल तक एसबीआई अपना हिस्सा जो है वो 26% के नीचे नहीं ला सकता, और बाकी निजी बैंक जिन्होंने पैसे डाले हैं वो 75% के आसपास की जो होल्डिंग है उसको अगले 3 साल तक बेच नहीं सकते। और दरअसल ये जो लॉक इन पीरियड है वो अब मार्च में ख़त्म हो रहा है। 13 मार्च वो तारीख है जब ये लॉक इन पीरियड 3 साल का जो था वो ख़त्म हो रहा है, और इसके चलते माना जा रहा है कि काफ़ी सारे बैंक्स एसबीआई और तमाम जो बैंक्स हैं वो अपना हिस्सा बेचने के लिए आ सकते हैं। और अगर वो अपना हिस्सा बेचने के लिए आते हैं तो करीब करीब 900 करोड़ शेयर्स है जो कि ये बैंक्स जो है उनकी लॉकिंग जो है वो खत्म होने वाली है। 900 करोड़ शेयर्स का मतलब है करीब करीब 31% के आसपास का हिस्सा, जिसमें एसबीआई का 26% है और बाकी बैंक्स का बचा कुचा हिस्सा है। आपको मैं बता दूं कि मार्च 2020 में जब एसबीआई ने हिस्सा खरीदा था तब 48% के आसपास का हिस्सा खरीदा था, लेकिन इसके बाद लगातार येस बैंक ने जो फंड रेजिंग की है उसके चलते एसबीआई का हिस्सा जो है वो घटता चला गया। आपको याद होगा अगस्त 2022 में भी कार्लाइल और एडवेंस से फंड रेजिंग की गई थी जहां पे इक्विटीज और वारंट्स जारी किए गए थे, उसके चलते एसबीआई का हिस्सा जो है वो कम होकर 26% हो गया था। अब जब वारंट्स कन्वर्ट होंगे तब एसबीआई का हिस्सा जो है वो और घट के 24% के आसपास आ सकता है। इसके अलावा भी माना जा रहा है कि एसबीआई शायद अपनी हिस्सेदारी जो है उसको और घटाने के लिए अपना हिस्सा जो है येस बैंक में बेच सकता है। हालांकि एक साथ कोई भी हिस्सा नहीं बेचेगा, लेकिन हो सकता है कि टुकड़ों में हिस्सेदारी बेची जाए। लेकिन जो भी होगा, जो 900 करोड़ शेयर्स है जिनका लॉक इन था वो अब खत्म होने वाला है। इसके लिए माना जा रहा है कि काफ़ी बड़ी सप्लाई जो है मार्केट में येस बैंक के इक्विटी शेयर्स की आ सकती है, और उसके चलते हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में येस बैंक का काउंटर जो है उसमें थोड़ा दबाव भी देखने मिले। इसके लिए येस बैंक का काउंटर जो है वो खासकर फोकस में रहेगा। साथ ही साथ ये जो बैंकिंग काउंटर्स है SBI HDFC इन पर भी आपको नजर रखनी होगी।